एमएस वर्ड पे आपने टेबल तो कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन आज आपको जो हम मेथड बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और प्लस करके इंटर करते हैं, ये टेबल बन गया। उसके बाद टैब बटन दबाते हैं, टेबल का वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो आज आपको हम इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह बादल और आप देख रहे हैं जोकल हाईटेक कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको टेबल के बारे में बताएंगे कि एमएस वर्ड पे टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि इंसर्ट मेनू में टेबल ऑप्शन पर यहाँ पे रो और कॉलम प्रीडिफाइंड बने होते हैं, जिनको हम लोग सेलेक्ट करके टेबल को ओपन करते हैं। लेकिन आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ और विधि है, कुछ और एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कैसे हम लोग टेबल को बनाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। इसमें ये टेबल रो कॉलम है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके अपने हिसाब से टेबल को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम अपने हिसाब से टेबल इंसर्ट टेबल ऑप्शन में आकर के नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दें, वहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो देना होता है। नंबर ऑफ कॉलम जैसे हमने दे दिया 5, नंबर ऑफ रो हमने दे दिया 10। आपको 5 कॉलम लेना है और 10 रो लेना है, तो 5 कॉलम 10 रो यहाँ पे लिया। 5th कॉलम जो यहाँ पे ऑटो है, अगर आप अपने हिसाब से नंबर देना चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अगर नहीं तो ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो लेगा। ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट के अपने हिसाब से वो फिट कर लेगा। ऑटो फिट टू विंडो, विंडोज़ के हिसाब से ये फिट कर लेगा। तो हमने कंटेंट कर दिया है, कंटेंट करने के बाद ओके करते हैं। यहाँ देखिए ये बन चुका है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉलम है और यहाँ पे बाकी वो आपको मिलेंगे। अब जब यहाँ पे आप कुछ लिखोगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अगर एक सेल से दूसरे सेल में आना है तो आपको टैब बटन दबाना होगा, जैसे हमने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपने हिसाब से ले लेगा फादर्स नेम, यहाँ पे हमने दे दिया तो, और यहाँ पे हमने दे दिया एड्रेस। टैब पे नीचे आते हैं, हमने दे दिया 101, नेम अमित कुमार सिंह, फादर्स नेम मिस्टर राकेश सिंह, तो सेट ट्रिपल सी, एड्रेस है अदलाहाट चिनार मिर्जा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अपने हिसाब से ये कर ले रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रो हमने 2 ले लिया, ये 5th कॉलम विथ ऑटो, ये ऑटो के हिसाब से लेगा, ये अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर देता है। यहाँ पे हमने दे दिया रोल नंबर, नेम, एड्रेस, तो और फी, यहाँ पर हमने दे दिया रोल नंबर 101, जो भी आपको नाम देना हो, राहुल कुमार, एड्रेस हमने दे दिया अदलाहाट, तो हमने दे दिया NDCA, फिर हमने दे दिया 4,900 यहाँ पर। फिर अगर हम लोग अगले में आना है तो हमें यहाँ पे करना क्या है, टैब बटन दबाना है, हम नेक्स्ट में चले आएंगे। फिर से टैब बटन दबाए, यहाँ पे आप नेक्स्ट में चले आएंगे, जितना आप टैब दबाओगे उतने हिसाब से ये आपका वो बदला चला जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से इसको अरेंज करना चाहते हैं, एड्रेस कोर्स की साइज छोटा करना चाहते हैं, फीस की और छोटा करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको अरेंज भी कर सकते हैं। अगर ये पहला है इसको आपको थोड़ा है बढ़ा देना है, चेंज कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, फॉन्ट अपने हिसाब से जो भी आपको फॉन्ट पसंद है फॉन्ट आप ले सकते हैं, साइज वही करनी है ड्रॉइंग कर सकते हैं, सेंटर में करना है सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है कर सकते हैं। अगर आपने पूरे सेल को सेलेक्ट किया है और इसकी जो भी आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रोल नंबर जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, कोर्स कॉफी को सेलेक्ट करने के बाद, अगर आप एक साथ कई सेलेक्ट करना चाहते हैं कॉलम, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हट जाएगा, दूसरे पे क्लिक किया तो पहला सिलेक्शन, पहला कॉलम का सिलेक्शन हट जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल बटन दबाना है, कंट्रोल बटन के साथ अगर हम क्लिक कर दें तो सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे पहला हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ दूसरा, कंट्रोल के साथ अगला। जैसे ही कंट्रोल बटन दबा के हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट हो जाता है, हमने इसको सेंटर कर लिया, ये आपका सेंटर हो चुका है और यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग रेडी है।
एक फॉर्मेटिंग के लिए और भी ऑप्शन होता है, जब आप टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपको लेआउट और डिजाइन दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं ये आज हम आपको बताते हैं। पहला आता है डिजाइन, डिजाइन में यहाँ पर दिया हुआ है हेडर रो, आपका जो पहला रो होगा वो आपके हेडर के लिए मौजूद किया जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लेना है, टोटल रो आपके टोटल रो जितने हैं यहाँ पे आपको बता देगा, टोटल रो के लास्ट में लाइन बना देगा। अगला यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, पहला आपका कॉलम कौन सा होगा उसको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि चेंजिंग हो रहा है कि ये कॉलम में आपको दिखेगा। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा टेबल है, हमने इसको ले लिया, आप फर्स्ट कॉलम आप देखिए ठीक है हेडर में, ओके। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये जब ऑप्शन हम यहाँ पर लेंगे। लास्ट कॉलम आपका लास्ट कॉलम पे भी दिखा देगा, बैंडेड कॉलम, कॉलम आपके बैंडेड में हो जाएगा ठीक है। बैंडेड वो आपके जो लाइनिंग दिखा गई है उसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। हम कॉलम लेना चाहते हैं, कॉलम में ये बैंडेड होगा। हम इसमें कुछ सारा कलर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, बैंडेड ठीक है, बैंडेड हो। हम कॉलम को हटा देते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं ओके। हेडर रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को भी हटा दिया, आप अपने यहाँ से आप कलर चेंजिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ओके। टोटल आपके लास्ट में यहाँ पे शो करेगा। ये आपका ऑप्शन होता है जहाँ पे हम अपने हिसाब से कलर चेंजिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई टेबल स्टाइल, आप अपने हिसाब से टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगला यहाँ पे सेटिंग आता है, आपको जो भी टेबल के सेल में सेटिंग देनी है आप यहाँ पे सेटिंग दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम और एड्रेस को सेलेक्ट करके अलग सेटिंग दे दिया, और सोर्स ऑफ की को सेलेक्ट करके अलग सेटिंग दे दिया, तो ये आपकी सेटिंग के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल ला सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल क्या होनी चाहिए। जैसे ये टेबल है, टेबल की बॉर्डर स्टाइल हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप यहाँ देखिए जैसे बॉर्डर स्टाइल ये है, अब आपको बताएगा कि इस बॉर्डर को हमें चेंज करना। अब ये बॉर्डर हमारा चेंज हो गया, इस भी बॉर्डर को चेंज करना है, इसको भी लेना है, ये भी ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करें और ये बॉर्डर चेंज होता चला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हो, बॉर्डर स्टाइल बहुत सारे होते हैं, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हो। अगले यहाँ पे पेन कलर, आपके जो पेन का कलर होगा वो कौन सा होगा, तो जो आप बॉर्डर दे रहे हैं उस बॉर्डर का कलर क्या होगा आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये अंदर और बाहर जहाँ पे हमें बॉर्डर स्टाइल देना हो हम दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे बॉर्डर की जो साइज होगी वो कम मोटा होगा, पतला होगा, अलग अलग बॉर्डर के लाइन है, डॉट है, आपको जैसा भी बॉर्डर चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं ठीक है। तो आपको कुछ ज़्यादा डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर प्री डिफाइंड डिजाइन मिलेगा, तो आप इस डिज़ाइन का यूज करके बना सकते हैं। नॉर्मल आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। पेन कलर ऑटोमेटिक, यहाँ पर अगला बॉर्डर आता है, आप ये इसका बटन दबाया तो ये ऑप्शन हट जाएगा। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके चारों तरफ यदि आपको बॉर्डर देना है तो ये बॉर्डर आपके यहाँ आ जाएगा ठीक है। जो आप बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे वही बॉर्डर इसके चारों तरफ लग जाएगा। अगले आते हैं बॉर्डर प्रिंटर, ये कॉपी करने के लिए यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया है वही सेम बॉर्डर प्रिंटर यहाँ पर काम करें ठीक है। जैसे कि हमने ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, ये वाला हमने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया है बॉर्डर प्रिंटर, अब यहाँ पर देखेंगे तो बॉर्डर प्रिंटर के लिए ब्रश आ गया है, जहाँ पर भी जिस बॉर्डर को देना है वो बॉर्डर यहाँ पर ठीक। तो ये ऑप्शन था डिजाइन। अब अगला आते हैं लेआउट में, लेआउट में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, पहले काम करते हैं इनको हम हटा करके डिलीट करके एक नया टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने का अगला जो ऑप्शन होता है वो ड्रॉ टेबल होता है, ये भी आगे हम बताएंगे। पहले अभी इंसर्ट टेबल में आकर के एक टेबल हमने बना लिया, और हम यहाँ पे कुछ डिटेल देते हैं डिटेल हो गया। आप अपने हिसाब से इसके साइज बन सकती कर सकते हैं। अब हम आते हैं लेआउट में, लेआउट में पहला सेलेक्ट होता है सेलेक्ट सेल, ये सेल को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कर्सर पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट सेल, ये सेल सेलेक्ट कर लेगा। अगर कर्सर पॉइंट यहाँ पे है
और आपने दिया सेलेक्ट कॉलम, तो जो कॉलम होगी वो कॉलम को ये सेलेक्ट करने है। हाँ सही है, ये देखिए कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे कर्सर पॉइंट है और आपने दे दिया सेलेक्ट रो, तो ये रो को सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट टेबल, ये पूरे टेबल को एक साथ सेलेक्ट करने का काम करें। अगला आता है व्यू गाइडलाइन। ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जब कभी टेबल में आवश्यकता होती है तो उसके लिए व्यू गाइडलाइन, लेकिन इसमें शो नहीं कर रहा है। अगला आता है प्रॉपर्टी। ये टेबल की प्रॉपर्टी, ये आपका टेबल कहाँ पे होना चाहिए आप इसके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अगला आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल इरेज, ये ऑप्शन जो इंसर्ट मेनू में यहाँ पर दिखा रहा है ड्रॉ टेबल, ये सेम ऑप्शन होता है। तो ये ऑप्शन अभी हम बता रहे हैं। ड्रॉ टेबल में काम क्या होता है, आपको यहाँ पे ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने के बाद जो माउस पॉइंटर होता है पेंसिल की तरह चेंज हो जाता है और अपने हिसाब से आप टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लाइनिंग बनानी है तो आप यहाँ पे लाइनिंग बना सकते हैं, या आप अपने हिसाब से टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। इरेज का ऑप्शन होता है, जितने को सेलेक्ट करोगे वो आपका इरेज होता चला जाएगा। अगर पूरे को आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये पूरा इरेज हो जाएगा। तो ये काम होता है ड्रॉ टेबल और इरेज करने के लिए। ये पहले से बने हुए टेबल में भी काम करते हैं, जैसे मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, इरेज किया, ये ठीक है, यहाँ पे भी ये काम करेंगे। अगर यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करते समय ये याद रहे कि जो आपने डिजाइन सेलेक्ट किया है, जो आपने बॉर्डर लिया है, वही बॉर्डर यहाँ पे आएगा। तो लेआउट में इरेज करते हैं और यहाँ पे हम खुद से ड्रॉ करें। अगला आता है डिलीट। ये डिलीट करता है सेल को, कॉलम को, वो और टेबल को। तो पहले हम लोग बात करते हैं अगला, तो डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमें करना क्या है, हमने सेलेक्ट कर लिया पूरे टेबल को, टेबल डिलीट, डिलीट हमारा टेबल हो चुका है। इंसर्ट करते हैं वो कॉलम, ये हमारा वो कॉलम है। लेआउट में आते हैं, अगर कर्सर पॉइंट यहाँ पे है जैसे हमने दे दिया, और इंसर्ट एबव, इसके ऊपर एक हमारा जो रो है वो इंसर्ट हो जाए, तो ये देखिए आ गया। इंसर्ट बिलो, इसके ठीक नीचे एक हो जाए तो यहाँ पे आ गया। इंसर्ट लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में हो जाए तो एक कॉलम आ गया, और इंसर्ट राइट, इसके राइट साइड में तो एक कॉलम आ गया। मतलब जो यहाँ पे आपका कर्सर पॉइंट है उसके ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट में यहाँ पे अगर आपको रो कॉलम इंसर्ट करने को, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगला आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का काम क्या होता है, दो टेबल को एक साथ करना। यहाँ पे पहले मर्ज बता देते हैं। मर्ज का काम क्या होता है, दोनों को यदि हमने सेलेक्ट किया है और क्लिक किया तो यहाँ पे देखो दोनों एक हो जाएंगे, मतलब जो दो टेबल के जो सेल होते हैं दोनों सेल एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमने स्प्लिट किया तो ये बता रहा है कि आपको कितने भागों में इसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ कॉलम टू, नंबर ऑफ कॉलम वन। यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए टू, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो वन। अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम टू ही रहे, नंबर ऑफ रो भी टू हो गया, ठीक है, दो कॉलम और दो रो डिवाइड हो गया। अगर इसमें हमें करना है स्प्लिट करना है, दो और दो से बनाते हैं, अब ये आपके रो और कॉलम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, टेबल को अगर स्प्लिट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट टेबल भी हो सकते हैं, मतलब कि एक टेबल को अलग कर देगा, दूसरे टेबल को अलग कर देगा। अगला इसमें हाइट होती है, आप अपने हिसाब से हाइट ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये भी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये अलाइनमेंट के लिए होता है, आप जो वर्ड लिख रहे हो वो वर्ड आप किस अलाइनमेंट में फिट होते हैं, आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट कलर कर सकते हैं। तो ये आपका अलाइनमेंट होता है। डायरेक्शन, ये आपकी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से डायरेक्शन भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सेल का मार्जिन क्या होना चाहिए, टॉप में कुछ गैपिंग होनी चाहिए, बॉटम में कुछ गैपिंग होनी चाहिए, मार्जिन यहाँ पे हम दे सकते हैं। सॉर्टिंग करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है तो आप यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं। अगला ये सॉर्ट फॉर्मूला टेक्स्ट रिपीट हेडर रो, ये वाला ऑप्शन अभी हम आगे बताएंगे। ये बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं जो ये टेबल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यदि हमें जोड़ना है कुछ काम करना है तो आप ये भी काम कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर, ठीक है,
और यहाँ पे ले लिया नेम और यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं कैटेगरी, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया सब्जेक्ट का मैथ साइंस कंप्यूटर फिजिक्स, ये चार सब्जेक्ट है और नीचे हमें निकालना है टोटल। हम यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं, जैसे नंबर हमने दे दिया 25, 45, 39, 74, 50, 50, टोटल इसमें निकालना है ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ नंबर दे दिए, फिल करते हैं, यहाँ पे हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आपको फार्मूला देना होगा और इन सेल को सेलेक्ट करके फार्मूला का यूज करके हम इनको टोटल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया इक्वल टू एवर, ओके किया, यहाँ पे टोटल इक्वल टू एवर। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं फार्मूले का, लेकिन ये फार्मूले कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, अभी हम आगे इसकी एक वीडियो बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टेबल को कैसे हम लोग बनाए बिना टेबल ऑप्शन का उपयोग किए। यहाँ पे हमें करना क्या है, लेफ्ट करना है, जहाँ पे हमें ये लाइनिंग बनानी है, कॉलम की लाइनिंग, कॉलम की एक लाइनिंग है, दो लाइनिंग, तीन लाइनिंग और चार लाइनिंग, तो हमें चार बार प्लस करना होगा। जहाँ पे ये लाइनिंग चल रही है यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, प्लस लिखा माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और लास्ट में प्लस दे दिया और इंटर जैसे ही करेंगे आपका ये टेबल बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको नेक्स्ट करना है तो टैब बटन दबा के चलिए, यहाँ पे आपके वो बनके चले जाएंगे, आपको जितना भी वो लेना हो यहाँ पे आपके वो बनके चले जाएंगे। तो ये टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका होता है प्लस माइनस, आप अपने हिसाब से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पे प्लस दिया, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, एंटर किया, फिर जितना टेबल हमारे पास बनके तैयार हो चुके हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपको डेली एक एक वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।